Hey, what's up guys? कैसे हैं आप सभी लोग? भाई आज मैं खेलने जा रहा हूँ वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट पोकेमोन गेम पोकेमोन येलो। इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि मेरे साथ है मेरी जर्नी में पिकाचू। भाई पिकाचू, तो गाइस सीधा चलते हैं अपनी गेम की तरफ पोकेमोन मास्टर बनने के लिए। ओके यहाँ चलता हूँ मैं भाई नई गेम प्ले की तरफ। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस गेम को वापस से खेलने के लिए क्योंकि भाई बहुत सालों बाद मैं खेलने जा रहा हूँ और भाई उस टाइम पे ये मेरा फेवरेट गेम हुआ करता था यार, क्योंकि भाई पोकेमोन उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा फेमस था और भाई जो बहुत ज्यादा मजा आता था इसको खेलने में और अभी भी आने वाला है इस गेम को खेलने में मेरे को। अगर आपको इसके ब्लॉग के रूल जाने तो भाई डिस्क्रिप्शन में मैं रूल डाल चुका हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर ओक हमें पोकेमोन के बारे में बता रहे हैं। भाई ये पोकेमोन क्या नाम था इसका? प्राइमेप। भाई इसका नाम प्राइमेप था, मेरे को याद आ गया। और भाई यहाँ से मेरा कैरेक्टर आ चुका है, मेरे को कैरेक्टर का नाम रखना है अपने। कैरेक्टर जो है ऐश, लेकिन मैं इसका नाम बदल सकता हूँ। इसका नाम रखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ऐश लिख के आ रहा है, मैं ऐश भी रख सकता हूँ लेकिन मैं इसका नाम रखूंगा, क्या रखूंगा इसका नाम, मैं इसका नाम क्या रखें हम लोग, RSB गेमर रखते हैं भाई, ज्यादा सही रहेगा है कि नहीं। RSB रख देते हैं, गेमर आएगा नहीं मेरे हिसाब से। RSBG रखते हैं क्या? RSBG, हाँ भाई RSBG कर देते हैं इसको। जी कहाँ है ये राजी? हाँ भाई ये सही है, यहाँ पे जी लगा देता हूँ मैं। ओ भाई सही है, यहाँ पे एंड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अब हम लोग का एक राइवल आएगा जिसका नाम है गैरी, उसका नाम गैरी रखेंगे भाई। तभी तो भाई ये पोकेमोन की याद दिलाएगा हमें, पिकाचू की याद दिलाएगा। इसमें सब कुछ रैंडमाइज है, सिर्फ स्टार्टर को छोड़िए क्योंकि भाई मेरे को पिकाचू चाहिए था, तो इस वजह से मैंने स्टार्टर को रैंडमाइज नहीं किया। और जितने भी पोकेमोन है वाइल्ड में जो मिलेंगे मेरे को, जो लेजेंडरी मिलेंगे, सब कुछ रैंडमाइज है। यहाँ तक कि जो जिम ट्रेनर उसके पोकेमोन भी रैंडमाइज है। भाई ये फुली रैंडमाइज गेम है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और बहुत ज्यादा फन गेम प्ले होने वाला है भाई। और यहाँ से हम लोग का कैरेक्टर छोटा हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं पीसी से। पहले मैं आइटम निकाल लेता हूँ भाई, थोड़ी बहुत चीजें मेरे को याद है क्योंकि मैंने इस गेम को कम से कम 6-7 बार खेला है भाई। पहले 6-7 बार तो खेला ही खेला है। अबे यहाँ से ग्रेट वॉल मिल गई है मेरे को भाई, अगर मैं मर गया इस बार तो गया क्योंकि भाई मेरा नजलॉक स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि भाई जब भी हमको बॉल मिल जाती है, मतलब पोकी बॉल, ग्रेट बॉल या फिर अल्ट्रा बॉल, जो भी बॉल में हमको मिल जाती है, तो वहां से हम लोग का नजलॉक स्टार्ट हो जाता है इसमें। और मेरा नजलॉक स्टार्ट हो चुका है, अगर मेरा पोकेमोन मरा तो भाई वो मर जाएगा, तो मेरे को पिकाचू को संभाल के रखना है भाई, क्योंकि पिकाचू मर गया तो भाई गेम खत्म हो जाएगा मेरा ऐसे ही रहा तो। तो मेरे को तेजी से जाना है, शायद ग्रास में जाते हैं हम लोग, तब प्रोफेसर आता है रोकने के लिए। हाँ भाई कह रहा था ना, यहाँ पे ग्रास में जैसे जाऊंगा प्रोफेसर रोकने के लिए आएगा मेरे को। दैट वाज क्लोज। ओके वाइल्ड पोकेमोन लिव्स इन दैट इन टॉल ग्रास। ओके ओके यहाँ पे पोकेमोन एंटर हो चुका है एक, यहाँ पे पोकेमोन है हमारा पिकाचू। भाई पिकाचू पिका पिका पिकाचू पिका पिका पिकाचू। यहाँ पे प्रोफेसर पकड़ रहा है पिकाचू को क्योंकि भाई ये हम लोग का पार्टनर बनेगा। ठीक है भाई पकड़ ले, तेजी से पकड़ भाई इसको। ठीक है यहाँ पे प्रोफेसर ओक ने पिकाचू को पकड़ लिया। यहाँ पे ओक कह रहा है वाओ वाओ कह रहा है भाई, वाओ क्यों कह रहा है मेरे को भी नहीं पता। ओक आप पोकेमोन कैन अपेयर एनी टाइम इन टॉल ग्रास। ठीक है भाई टॉल ग्रास में कभी पोकेमोन अपेयर कर सकता है। यहाँ पे बहुत बकवास करने वाले क्योंकि इसमें सब टाइटल के अलावा भाई, और मैं यहाँ पे प्रोफेसर ओक के पास झम्मस आया हूँ भाई, स्पीड बूस्ट करते हुए आया हूँ। यहाँ पे ग्रैंडपा, यहाँ पे गैरी भी आ चुका है। ग्रैंडपा आई एम फेड अप विद, इससे फेड अप हुआ है वेटिंग। ठीक है वेटिंग से फेड अप हो चुका है, इसको तो पटक के मारूंगा साले, रुक जा भी तेरे को बता रहा हूँ, मेरा राइवल है भाई है। गैरी व्हाई आर यू हियर? ग्रैंडपा से बोलेगा कि भाई मैं थक चुका हूँ, मेरे को मेरा पोकेमोन जल्दी चाहिए, लेकिन ये पोकेमोन मैं राहुल के रखा था, लेकिन राहुल जाके पोकेमोन लेगा, गैरी धक्का दे देगा, देखना इसको अभी। हाँ जैसे मैंने देखना गैरी आएगा भी, ये मेरे को मारेगा लास्ट फ्लाइंग जेट किक मारेगा, मेरे को फ्लाइंग जेट किक मारेगा। तो ये पोकेमोन इसने ले लिया गैरी ने, अब हमको प्रोफेसर जो अभी पिकाचू पकड़ा है उसको देगा हमें। यहाँ से मैं लेने जाता हूँ भाई अपना पीका पीका पिकाचू पीका पीका पिकाचू पिकाचू। मैं इसका नाम भी डाल सकता हूँ, तो इसका नाम डालते हैं हम सब्सक्राइब डाल देते हैं भाई, है कि नहीं? सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। ओके भाई मैंने यहाँ पे पिकाचू का नाम डाल दिया सब्सक्राइब, और भाई जल्दी से जाके आप सब्सक्राइब बटन को दबा दो और फिर चलते हैं भाई हम लोग अपने गेम की तरफ, क्योंकि अभी हम लोग की पहली बैटल स्टार्ट होने वाली है गैरी से। अगर मैं ये लूज कर गया तो भाई समझ लो मैं हार गया, क्योंकि भाई मेरा पहला नजलॉक स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि मेरे पास बॉल आ चुकी है, ग्रेट बॉल आ चुकी है भाई। अब दिक्कत होने वाली है क्योंकि भाई मेरे को बहुत लंबा सफर तय करना है और मेरे को पोकी बॉल अभी मिलेंगे ही नहीं, तो मेरे को भाई टॉल ग्रास में भागना पड़ेगा यार तेजी से। मैं एक पोकेमोन पकड़ सकता हूँ मैं तेजी से, कोई अच्छा पोकेमोन मिल जाए तो बढ़िया है भाई। पिकाचू यहाँ पे ग्राउंड क्या करता है, मेरे हिसाब से अटैक पावर घटाता था मेरे को जितना ध्यान है, लेकिन पहले मैं दूंगा थंडर शॉक, इसको मैं पेनलाइज करूंगा भाई। अबे टैकल मारा, ओ भाई बराबर लाइफ गई है, नहीं नहीं पिकाचू की ज्यादा लाइफ गई है भाई।
पिकाचू की ज्यादा लाइफ गई है, मेरे हिसाब से मेरे को ग्राउल डालना चाहिए भाई। ये टैकल मार रहा है भाई, मैं मर ना जाऊं कहीं। ठीक है, मैंने ग्राउल तो दिया इसको। हाँ, अटैक पावर कम करता है इसकी, इसने टेल विप दिया, मेरी डिफेंस घटा दिया भाई। मैं अटैक पावर घटा पर डिफेंस घटा रहा है मेरी। इसको तो पटक के मारूंगा भाई, गैरी को मैं। ठीक है, ओ भाई भाई मैं हार गया, मेरे को लग रहा है मैं हार गया भाई। भाई आते हार ना जाऊं कहीं। नहीं, क्रिट पड़ गया, क्रिट पड़ गया, मैं जीत सकता हूँ। ओ भाई एक ही लाइफ बची है, एक ही लाइफ बची है। ओ भाई गया मैं, हार गया लियो भाई, आते ही नज़लॉक हार गया मैं। ओके गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पे अपना दोबारा नज़लॉक स्टार्ट करके, और यहाँ पे वापस से मेरे को पिकाचू मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी भी रैंडमाइज नहीं किया स्टार्टर, क्योंकि मेरे को पिकाचू चाहिए चाहिए तो चाहिए। और मैं भाई इस बार पीसी में जाके कोई भी आइटम लेके नहीं आया, क्योंकि क्या पता भाई फिर से कोई पोकेबॉल अल्ट्रा बॉल मेरे को मिल जाए। मेरे को नज़लॉक अभी स्टार्ट नहीं करना जब तक मेरे को नॉर्मल पोकेबॉल नहीं मिल जाते। तो भाई ये रिस्क मैं नहीं लूंगा, अगर मैं अभी हार गया तो मेरा पोकेमॉन डेड नहीं माना जाएगा, पिता जान लीजिए। क्योंकि भाई अभी मेरे पास एक ही पोकेमॉन है, वो भी पिकाचू बेचारा, वो भी डेड हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी यार मेरे को। और यहाँ से पोकेमॉन पिकाचू का क्या नाम रखूं मैं, इस बार सब्सक्राइब नहीं रखता भाई, उस बार सब्सक्राइब कह दिया था तो आप लोगों ने मेरे को हरा दिया था। इस बार मैं इसका नाम लूंगा पीकू, पीकू रख दो क्या, इसका नाम रख दो पीकू। पीकू 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 का है, पीका रख दूं, पीका रख दूं, पीका रख देता हूं, पी आई के पीका, पीका 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 मेरा पीका, इसका नाम मैंने रख दिया पीका। पीका पीका पावर दिखाएगा भाई, पीका पावर। यहां से भाई ये सब जल्दी से स्किप करता हूं, मैं जाता हूं गैरी से बैटल करने के लिए तुरंत। यहां पे गैरी ने मेरे को रुकने कहा है और मेरे को चैलेंज दे दिया वापस से बैटल के। इस बार मैं हॉक दूंगा साले को, इस बार तो साले को हॉकूंगा मैं भाई, उस बार हरा दिया यार इसने मेरे को, इस बार तो हॉक के रहूंगा भाई इसको मैं। और यहाँ पे इसने ईवी को निकाल दिया भाई, इसका भी रैंडमाइज नहीं है स्टार्टर, क्योंकि भाई इसका मेरे को समझ में आता है इसका कैसे रैंडमाइज करूँ, क्योंकि जब भी मैं रैंडमाइज करने जाता है स्टार्टर, मेरा भी स्टार्टर रैंडमाइज हो जाता तो इसका भी हो जाता, तो मेरे को अपना पिकाचू चाहिए था तो मैंने इसका भी रैंडमाइज ईवी रखा है, वरना मैं इसका भी रैंडमाइज कर देता भाई। लेकिन यहाँ पे मैं थंडर शॉक दिया इसको मैं, इस बार भाई ये टैकल वैकल बहुत मार रहा है, उस बार इस टैकल की वजह से हारा था मैं। इसको ग्राउंड दे देता हूँ एक बार भाई, टेल विप दे दे। हाँ भाई टेल विप दिया इसने, डिफेंस मेरा घटा दिया। एक बार और ग्राउंड दे देता हूँ मैं, इससे अटैक पावर इसकी गिर जाएगी। और इसने भाई मिस कर दिया, मैं थंडर बोल्ट दे सकता हूँ, इसकी दो या तीन पॉइंट क्या बोलते हैं अटैक पावर घट गई है। यहाँ पे टेल विप दे दिया भाई इसने, मेरा डिफेंस घटा दिया, लेकिन मैं थंडर बोल्ट से इसको हरा सकता हूँ अभी भी। ओ भाई ये तो मेरा अटैक भाई, ये मेरी डिफेंस बहुत घटा रहा है भाई, ये तो एक ही बार वो मार देगा भाई ऐसे रहा तो। देखना भी लाइव, देखना मेरी कितनी जाएगी, मैं कह रहा था ना। लेकिन मैं जीत गया भाई, बस भाई जीत गया मैं। ओ भाई फाइनली जीत गया भाई मैं, और लेवल सिक्स का भी हो गया, और मैंने टेल व्यू सीख लिया। आप भाई तेरी डिफेंस मैं घटाऊंगा साले, गैरी के बच्चे रुक जा बताता हूँ मैं तेरे को अभी। लेकिन भाई उस बार हरा दिया था गैरी ने। ओके ओके भाई, गैरी कह रहा है कि वो भाई अपने पोकेमॉन को और टफ बनाएगा और हमको हराएगा। लेकिन भाई आखिरी लास्ट जब भी तू मेरे को मिलेगा, जितनी बार भी मेरे को मिलेगा तो तब मैं हराऊंगा तेरे को। वेट कुछ देने वाला है, वुड यू लुक एट दैट, इट इज ऑड बट इट अपीयर दैट योर पिकाचू डिसलाइक पोकेबॉल। भाई इतना सबको पता है भाई पिकाचू को पोकेबॉल के अंदर रहना पसंद नहीं, लेकिन देखो अभी मैं पिकाचू से बात करूंगा मेरे से नफरत करेगा वो पिकाचू अभी भाई। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मतलब पिकाचू के साथ मेरी बॉन्डिंग बढ़ेगी तो पिकाचू भाई मेरे को हार्ट देगा, हार्ट देखना भाई मजा आने वाला है इस गेम में। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉल ग्राफ में भी जा सकता हूँ, अगर मेरा पिकाचू मरा तो भाई वो डेड नहीं कहलाएगा इतना जान लो अभी, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पोकेबॉल नहीं है, ना ग्रेट बॉल ना कोई कुछ बॉल नहीं। मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ भाई कि कौन सा पोकेबॉल मेरे को मिलेगा। ओ भाई चार्मेंडर मिल सकता है भाई तुरंत, वाइट चार्मेंडर अपीयर भाई, मैं यहाँ पे चार्मेंडर पकड़ सकता हूँ, वो भी लेवल 2 का है, मैं इसको अपग्रेड भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे थंडर बोल्ट लेता हूँ मैं, थोड़ा अपने आपको एक्सपी बढ़ाता हूँ, क्योंकि भाई जो जिम लीडर होंगे वो भी मैंने थोड़ा अपग्रेड कर रखा है, उनको भी थोड़ा टफ बना रखा है भाई, क्योंकि भाई उनको हराना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाई उनके पास लेजेंडरी भी हो सकता है भाई, और मैं पिकाचू के साथ लड़ने नहीं जाऊंगा अकेले। यहाँ से भी मैं चेक कर सकता हूँ, अभी मेरे को जाना है शायद अपनी मॉम से मिलने जाना था कि कहाँ जाना था, यहाँ पे रैंडम मेरे को पता नहीं। ओ भाई पोशन दे दिया भाई, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, पोशन दे दिया भाई इसने मेरे को। लेकिन भाई एक्सपी अच्छा खासा मिल रहा है मेरे को, मैं यहाँ पे तेजी से चलता हूँ भाई पहले टाउन की तरफ, क्योंकि मेरे को प्रोफेसर हो को शायद पोकेडेक्स देने। ओ भाई गेंगार, भाई गेंगार पिकाचू थंडर बोल्ट है भाई इसको, ये मेरे को मार ना दे भाई। नहीं नहीं मार दूंगा भाई, नहीं भाई नाइट शेड दे दिया भाई इसने मेरे को, कंफ्यूज कर दिया है, कंफ्यूज भी करता है शायद ये भाई। रन करना चाहिए मेरे को लग रहा है भाई, रन करना चाहिए अगर कंफ्यूज। ओ भाई चार मेंडर आ गए, इसको तो हॉक दूंगा भाई, चार मेंडर देखो तो पटक के मारता मैं, रुक जा भी। और ये गया भाई चार मेंडर लाइफ एक ही बार, ओ भाई बच गया। लेकिन मेरे को अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं बनाना है भाई, क्योंकि
पोकेमोन नहीं पकड़ पाऊंगा फिर मैं चारमेंडर को। ये भी ध्यान रखना क्योंकि भाई मैं हर एक राउंड में एक ही बार पोकेमोन को पकड़ सकता हूँ। आइटम रहता है मेरे को जितना ध्यान है। अभी पिकाचू नफरत करता है मेरे से। पिकाचू डर मत भाई, तू मेरे से प्यार करेगा फिर तुम्हे साथ हर जर्नी में आएगा। जाता हूँ मैं डेक्स सिटी की तरफ। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ दूसरी सिटी में। इसका नाम क्या है? ट्रेनर स्टेप। द बैटल मूव ऑफ पोकेमोन आर लिमिटेड बाय देयर पावर। ओके, ये पीपी की बात कर रहे हैं। ठीक है कि पोकेमोन यहाँ कैसे पहुंच गया मैं इतनी जल्दी? भाई रफ्तार का थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट गो थ्रू हियर। ओके, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अभी मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ। मेरे को जाना है भाई मार्ट में। ये शायद यही मार्ट है, नहीं ये तो पोकेमोन सेंटर है। यहाँ पे भाई नर जॉय मिलेगी मेरे को। यहाँ पे मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ। पहले अपने पोकेमोन को पिकाचू को हील कर लेता हूँ मैं। ओके भाई, यहाँ पे पिकाचू हील हो चुका है। चलो भाई अब चलते हैं पोकेमोन मार्ट की तरफ। भाई लेकिन जोक है यार, ये गेम बहुत ज्यादा प्यारा था यार। उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलता था भाई गेम। ये उस टाइम की ग्राफिक्स ही प्यारी लगती थी भाई। ये सब जो पिक्सल ग्राफिक्स आती थी यार, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगती है लेकिन भाई मेरे को बहुत पसंद थी भाई ये टाइप की गेम। पिक्सल वाले भाई बहुत ज्यादा प्यारे लगते थे। और यहाँ पे यू नो प्रोफेसर ओक, राइट? ओके, इसके पास प्रोफेसर ओक का एक ऑर्डर है जो हमें देना है। ओके, प्रोफेसर ओक को मेरे को पार्सल देना है। तेजी चलता हूँ प्रोफेसर ओक के पास रफ्तार में। फ्लैश बन जाऊंगा मैं अभी, देखना। पहले मेरे को एक जगह जाने दो भाई, यहाँ से जान दो। ये देखो मैं फ्लैश बन गया, देखो चीरते हुए आया हूँ ये। और ये रहे प्रोफेसर ओक, मेरे को यहाँ प्रोफेसर ओक से बात करनी है। हाउ इज माय ओल्ड पोकेमोन? अबे भाई अभी तो छोड़ा था तूने। वेल इट सीम्स टू लाइक यू अ लॉट। मेरे को अच्छा पसंद करने लगे थे जल्दी। यू मस्ट बी टैलेंटेड एज अ पोकेमोन ट्रेनर। ठीक है, व्हाट यू हैव समथिंग फॉर मी? ओके भाई, इसके लिए मैं कुछ लाया था तो इसको दे दे भाई। वहाँ पे देखो कोने में पोकेडेक्स दिख रहा है मेरे को, वो मिलेंगे अभी, तब हम लोग की पोकेमोन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से ग्रैंपा, यहाँ पे गैरी आ चुका है। गैरी माय ग्रैंडसन, हियर आर यू। भाई पता नहीं क्या बोल रहा है। यू ग्रो स्ट्रॉन्गर। नहीं भाई अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है ये, अभी हमको हरा नहीं सकता है ये। गैरी को भी पोकेडेक्स मिल चुका है। ठीक है, दोनों को वहां से पोकेडेक्स मिल चुके हैं। मेरे पास भी पोकेडेक्स आ चुका है भाई। अब मैं पोकेमोन को एंट्री कर सकता हूँ और इसको फुलफिल करना है मेरे को। ठीक है भाई, यहाँ से गैरी भाग चुका है, मेरे को भी जाना चाहिए। ओ भाई अब मैं जा सकता हूँ पोकेबॉल लेने के लिए और फिर मेरी पोकेमोन की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मैं चलता हूँ वापस उस विलेज की तरफ। मार्ट से मैं लेता हूँ आइटम, यहाँ से मैं पोकेबॉल परचेज करता हूँ क्योंकि भाई पैसा अच्छा खासा है अपने पास भाई। 3000 रुपए है, 3000 रुपए। अब मेरे को उड़ाऊंगा भाई पोकेबॉल पर। देखो यहाँ से भाई पोशन वोशन भी लेने होंगे मेरे को। अबे एक ही पोकेबॉल क्यों लिया? यहाँ से पहले मैं लेता हूँ, मेरे हिसाब से 10 पोकेबॉल काफी होंगे। एक तो पहले ले चुका हूँ, 10 पोकेबॉल ले लेता हूँ। यहाँ से एंटीडोट ले लेता हूँ दो। नहीं भाई यहाँ तो खत्म हो जाएगा, पहले पोशन ले लेता हूँ। हाँ पोशन ले लेता हूँ तीन। हाँ 3 पोशन ले लेता हूँ और एंटीडोट ले लेता हूँ। एंटीडोट ले लेता हूँ दो या तीन, दो ले लेता हूँ भाई, दो के पैसे ही है। तो भाई यहाँ पे कंगाल हो गए, आ चुके हैं। कुछ सेल भी कर सकता हूँ क्या? कोई आइटम ही नहीं है सेल करने के लिए, तो भाई सेल क्या करूंगा? यहाँ पे इन सब से भी कुछ मिलेगा क्या मेरे को? कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे नॉर्मल चीजें बता रहे हैं कि पैरालिसिस से तुम पैरालिसिस हील कर सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं चाहता हूँ भाई पोकेमोन पकड़ लें क्योंकि भाई ये है हम लोगों का एक नया है कि नहीं है भाई? ये जितना मेरे को ध्यान है ये नया एरिया है हम लोगों का, है कि नहीं? मेरे को लग रहा है भाई ये एक नया एरिया है। तो भाई मेरे को चारमेंडर पकड़ने का मन है। अगर चारमेंडर मेरे को मिलेगा तो मैं चारमेंडर को पकड़ूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक ये नया एरिया है जितना मेरे को पता है, वहां से वो दूसरा एरिया स्टार्ट हो जाएगा तो मैं यहाँ से एक पोकेमोन तो पकड़ ही सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक वाइल्ड पोकेमोन अपेयर हो चुका है। चारमेंडर हो। अबे गैंगार है भाई, इसको पकड़ना तो दिक्कत का काम है लेकिन भाई पकड़ लिया तो भाई बहुत औसम रहेगा भाई। गैंगार भी है कि नहीं? स्टार्टिंग में एक घोस्ट पोकेमोन मिल जाएगा तो बहुत ही ज्यादा औसम रहेगा। अगर मैं इसको पैरालाइज कर सकता बहुत ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन भाई इसने मेरे को कंफ्यूज नहीं दे दिया यार। भाई कंफ्यूज है क्यों देता है ये मेरे को? मेरे को इसका डिफेंस घटाना चाहिए ना। ओ भाई ये तो कंफ्यूज में अपने आप को मार देगा भाई। पिकाचू भाई यहाँ से मेरा नज़लॉक भी स्टार्ट हो चुका है। टेल विप दूं भाई? कंफ्यूज ना रहना, कंफ्यूज प्लीज प्लीज। स्नैप आउट। ओ भाई स्नैप हो चुका है यहाँ से। ठीक है ठीक है। ओ भाई नाइट शेड दे दिया इसने मेरे को। ए मेरे साल से पहला पोकेमोन गारंटी होता है क्या पकड़ना? एक बार ट्राई करता हूँ, पोकेबॉल फेंकता हूँ मैं। आइटम में जाता हूँ, यहाँ पे पोकेबॉल ये रहा, थ्रो कर, पकड़ लेना भाई। फिंगर क्रॉस एक। ओ भाई नहीं है, गारंटी नहीं है, तो इसको मेरे को थोड़ा और वीक करना पड़ेगा तब मैं पकड़ पाऊंगा। लेकिन भाई ये तो मेरे को वीक कर दे रहा। ओ भाई क्रिट पड़ा। ओ भाई पैरालाइज कर दिया भाई इसने मेरे को।
ओ भाई कंफ्यूज भी हूँ, पैरालाइज भी हूँ भाई, क्या क्या हूँ मैं भाई, कंफ्यूज हो जाओ भाई यार, स्नैप नहीं हो रहा, तू पोशन यूज करना पड़ेगा अपने पे, लिंक यूज कर दिया भाई मैं, गया हार गया क्या मैं, ठीक है थंडर बोल दिया, मैं इसको पकड़ के जाऊंगा, अब तो पकड़ के जाऊंगा भाई, इसने मेरे को इतना मारा है, पोशन यूज करता हूँ पहले अपने आप पे, ठीक है पोशन से मैंने अपनी हेल्थ तो फुल कर ली है भाई, नाइट शेड दे दिया इसने मेरे को, पैरालाइज में यही तो दिक्कत है, लेकिन भाई ये सही है, इस पे मैं पोकेबॉल यूज करता हूँ क्योंकि भाई येल्लो में है ये, मैं पकड़ सकता हूँ अभी भी इसको, एक अभी यार इसको तो मारना है मेरे को साले को, अब मैं मार दूंगा इसको, थोड़ा एक्सपी कमा लूं भाई मार के, अरे यार लिक कर रहा है तेरे को तो पटक के मारूंगा साले, कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज ना रहना, ओ भाई थंडर बोल दिया, ठीक है लाल में आ जा, लाल में आ जा, मर गया भाई, अब भाई मैं यहाँ से पोकेमोन नहीं पकड़ सकता क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पहला एनकाउंटर था उसको मार दिया है, तो इस एरिया से मैं पोकेमोन नहीं पकड़ सकता हूँ, ये हो गया है मेरा एरिया बर्बाद, ठीक है तो मैं यहाँ पहले जाता हूँ अपने आप को हील कर लेता हूँ, मचैंग भाई ये मिल जाता क्या दिक्कत थी, ये नहीं मिला मेरे को, रन करता हूँ भाई, अबे भाई रन भी नहीं कर सकता अभी मैं, मचैंग से भाई रन भी नहीं कर सकता मैं, थंडर बोल देता हूँ भाई मर ही जाए, इससे अच्छा तू रन नहीं कर सकता तो मार ही देता हूँ, वो लो किक मिस कर दी भाई इसने, ठीक है मर जा मर जा, और ये गया भाई कराटे चॉप दिया इसने मेरे को, मैं थंडर बोल्ट पिकाचू थंडर बोल्ट, ठीक है भाई थंडर शॉक दे रहा हूँ थंडर बोल्ट को मैं, थंडर शॉक लेवल 8 का हो चुका हूँ भाई मैं, भाई पिकाचू सर स्पीड रन कर दूं भाई थंडर वेव, ओ भाई ये बहुत सही चीज मिली है मेरे को, मैं पोकेमोन को पैरालाइज कर सकता हूँ, इससे पोकेमोन को स्टैटिस इफेक्ट मिल जाएगा जिससे मैं पोकेमोन पकड़ सकता हूँ, ओ भाई ये सही है, अब मैं पोकेमोन पकड़ सकता हूँ, थोड़ा इजीली पकड़ पाऊंगा मैं, यहाँ से पहले मैं हील कर लेता हूँ अपने आप को, फिर चलता हूँ, और यहाँ से मैं हील होके आ चुका हूँ, मैं चलता हूँ भाई यहाँ से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट 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 एरिया कहाँ है, लेफ्ट एरिया कहाँ है, यहाँ से शायद इधर साइड है, हाँ ये, ओ भाई इससे भी कुछ मिलता है क्या मेरे को, कुछ मिलेगा क्या, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है भाई, इससे कुछ नहीं मिला है मेरे को, यहाँ पे बाद में कट यूज करना होगा, इससे एक मूव सीखने के लिए, यहाँ पे शायद कुछ आइटम रहता था मेरे को ध्यान है, ये देखो, ओ भाई मेरे को मिला है फाउंड एलिक्सियर मिल चुका है भाई, इसको मैं सेल कर सकता हूँ भाई, ये हाई प्राइस में जाता है मेरे को इसका ध्यान है एलिक्सियर, तो मैं इससे पोकेबॉल और पोशन वोशन में खेल सकता हूँ, ओ भाई पिकाचू खुश हो रहा है मेरे से, अब थोड़ा हंसने लग गया है भाई पिकाचू हमारे साथ खुश है, थोड़ा 0 रुपए में सेल हो रहा है, ओ भाई मेरे को लगा ये सेल होगा अच्छा खासा, लेकिन ये तो सेल ही नहीं हो रहा है, पता नहीं भाई बाद में देखता हूँ क्या है ये, क्योंकि भाई ये 0 रुपए में सेल हो रहा है, तो भाई सेल करके क्या फायदा है इसको, ठीक है यहाँ पे एक राउट ये है, मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ पोकेमोन, पहले मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे कोई आइटम तो नहीं है हिडन, यहाँ पे तो कोई आइटम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पकड़ सकता हूँ पोकेमोन भाई, कोई अच्छा पोकेमोन मिल जा, कोई अच्छा जिसको मैं पकड़ सकूँ कुछ अच्छा कुछ, ओ भाई ओ वाटर टाइप मिल गया, वो भी स्टार रेविया नहीं क्या नाम था इसका, स्टार मी, ओ भाई स्टार मी मिल चुका है मेरे को, यहाँ पे पहले थंडर वेव देता हूँ मैं, इसे पैरालाइज करता हूँ, क्योंकि भाई ये वाटर टाइप है और पिकाचू है इलेक्ट्रिक टाइप, अगर मैं थंडर शॉक मारा तो ये मर जाएगा, एक ही बार मर जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा टेल वेव देके इसकी मतलब डिफेंस भी घटाता हूँ, फिर एक दो बार पोकेबॉल डालूंगा, ओ भाई वाटर गन भी है इसके पास भाई, रॉक के ऊपर भाई अच्छा खासा रहेगा, लेकिन भाई रॉक के भी पोकेमोन रैंडमाइज कर रखे हैं मैंने, तो उसके पास जरूरी नहीं है रॉक टाइप ही पोकेमोन हो, ओ भाई तब भी दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि स्टारमी भी अच्छा पोकेमोन है, इसके पास रिकवरी होता है मेरे हिसाब से, और बबल बीम वाटर गन और सब भी चीजें होती है, भाई ये तो पकड़ में नहीं आ रहा, भाई पोकेमोन को क्या हो गया, मेरे साथ आना नहीं चाह रहे हैं क्या भाई, मेरे को पोकेमोन मास्टर बनना है प्लीज, अबे यार अबे कैच रेट मैंने हार्ड कर दिया है क्या, मेरे को भी नहीं पता है, और ये क्रिट पे क्रिट मार रहा है मेरे को, अटैक भाई इसका अटैक हटाता हूँ मैं, पहले ग्राउल करके अटैक हटाता हूँ इसका मैं, वरना भाई ये मेरे को मार देगा, तो इसको मैं थोड़ी देर घटाता हूँ भाई अटैक, ठीक है अटैक मैंने घटा दिया, यहाँ पे डिफेंस भी घटा देता हूँ इसका मैं, ठीक है यहाँ पे डिफेंस भी घटा दिया मैं, इसको एक बार और पैरालाइज दे दूँ क्या, ठीक है यहाँ पे पैरालाइज दे दिया, अब मैं पोकेमोन पोकेबॉल फेंकता हूँ इस पे, भाई 6 पोकेबॉल बचे हैं मेरे पास, अबे यार ये तो फ्री हो गया वापस से भाई, क्या कर रहा है, आ जा भाई प्लीज आ जा, मैं मर ना जाऊं भाई, मेरे को ये भी ध्यान रखना है, ए भाई इतना हार्ड क्यों है पकड़ना भाई, मैं अपने आप को हील करता हूं पहले, हील करता हूं अपने आप को भाई, भाई एक पोकेमोन तो चाहिए भाई मेरे को, भाई ये तो हार्डनेस बढ़ा रहा है अपनी, बस डिफेंस बढ़ाया जा रहा है, मैं इसको एक बार मार सकता होता ना तब सही रहता, ओ भाई 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 पकड़ लिया, ओ भाई फाइनली एक और पोकेमोन आया है मेरी टीम में, ओ भाई स्टार में आ चुका है, द सेंटर सेक्शन इज नेम्ड दैट पोस्ट People think it is communicating when it is glow
इन सेवन कलर। ओ भाई सेवन कलर में ग्लो होता है, मैं इसका नाम क्या रखूं भाई। लेकिन आप अगर अपना नाम चाहते हो किसी पोकेमोन को देना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मैं आपका नाम उस पोकेमोन को दूंगा अगर मैंने उसको पकड़ा तो। या फिर आपको जो भी पोकेमोन पसंद है उसको भी नाम दे सकता हूँ, या फिर अपना सिर्फ नाम लिख दो कमेंट बॉक्स में तो मैं उस पोकेमोन को या फिर आपको जो नाम पसंद है वो नाम लिख के दे दो कमेंट बॉक्स में, उस पोकेमोन को वो नाम दूंगा और आपका शाउट आउट भी करूंगा नाम। भाई ये भी सही रहेगा, यहाँ पे मैं स्टारमी को क्या दूं नाम, क्योंकि भाई अभी तो किसी ने दिया नहीं, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ भाई ईशान, जो मेरा एक दोस्त है। भाई ईशान का भी चैनल आप देख सकते हो भाई, वो भी ऑसम ऑसम क्या बोलते हैं रिव्यूज डालता है, तो आप जाके जरूर चेकआउट करो, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप पांच आप जाके देख सकते हो। और मैं भाई पहले जा रहा हूँ यहाँ पे हील करने के लिए, यहाँ पे मेरी गैलरी से बैटल होने वाली है, तो मैं उसके लिए फुली प्रिपेयर होकर जाना चाहता हूँ भाई, हारना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भाई नज़लॉक स्टार्ट हो चुका है, मैं चाहता नहीं अभी मेरा स्टार्टिंग में कोई पोकेमोन मरे और खासकर पिकाचू मरे, मैं नहीं चाहता भाई मेरा पिकाचू मरे। पिकाचू भाई ठीक है, मैं जानता हूँ तू मेरे से प्यार करने लग गया, समझ गया हूँ मैं, ठीक है भाई। यहाँ पे गैरी आ चुका मेरी और गैरी की बैटल होने वाली है। ओके इसके पास भी कोई बैज नहीं है, हमको बता रहे कि आप लोग बिना बैज के हम लोग इधर से एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई ये है क्या एलीट राउट ऐसी करके कुछ नाम था भाई इसका, मैं भूल जाएगा, नाम देखना पड़ेगा मेरे को। गैरी स्टार्टर, ओ भाई स्टार भी पकड़ लिया गैरी ने, ओ भाई इसके पास कितने पोकेमोन है भाई। लेकिन जो भी स्टारमी मेरे पास स्टारी इसके पास स्टारियो है, मेरे पास स्टारमी है भाई, मैं सॉरी उल्टा बोल दिया, इसके पास स्टारमी है, मेरे पास स्टारियो है भाई स्टार, लेकिन भाई 9 लेवल का है भाई, मेरे पास तो सिर्फ 8 लेवल का है, और इसका भाई स्टार्टर पोकेमोन कितने लेवल का हो गया होगा फिर, मैं तो भाई नॉर्मल चल रहा था भाई, 9 लेवल का तो अपना क्या बोलते हैं ये है क्या, अबे राइवल है एक्सक्यूज मी, क्या भाई 9 लेवल का तो हो गया, मैं 9 लेवल का तो हो चुका मेरा अटैक पावर डिफेंस। ओ भाई इसके पास दो ही पोकेमोन है, सही है भाई। स्टारियू को दूं क्या, नहीं भाई अभी इसके पास ईवी आने वाला है, तो ईवी को मैं थंडर वेव से पैरालाइज करता हूँ पहले, ठीक है यहाँ से पैरालाइज कर दिया मैं, ये टेल भी दे रहा है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं इसको ग्राउल करता हूँ, इसका अटैक पावर घटाता हूँ पहले, क्योंकि भाई ये कुछ ज़्यादा हाई लेवल का भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं थंडर बोल देता हूँ इसको, टेल भी भाई ये मेरी अटैक डिफेंस घटा रहा है, मेरे को एक ही बार में हराने की सोच रहा है ये, लेकिन मैं इसको एक एक करके मारूंगा। ओ भाई भाई भाई, भाई येल्लो में चला जाऊंगा मैं, मेरे को लग रहा था येल्लो में चला जाऊंगा मैं, ये भी येल्लो में गया भाई, बस दो अटैक की बात। ओ भाई सैन अटैक, मेरा अटैक की एक्यूरेसी घटा रहा है भाई ये, भाई मैं समझ रहा हूँ तेरी चाल जो तू करना चाह रहा है, लेकिन मैं हरा दूंगा तेरे को एक ही बार में। ठीक है भाई फाइनली मैंने गैरी को दूसरी बार हरा दिया यार, ये सही है भाई, अब मजा आ रहा है ना गेम में भाई। यहाँ पे मैंने इसको हरा दिया है और यहाँ पे ट्रेनिंग भी मेरे काम आई है, यहाँ पे बकवास करने तो इसको, ठीक है ये ट्रेनिंग करने जा रहा है मेरे को हराने के लिए। भाई तू जितनी ट्रेनिंग कर तेरे को हराऊंगा तो मैं, यहाँ पे मैं आगे जाके भी चेकआउट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कोई अच्छा पोकेमॉल मिल सकता था मेरे को, लेकिन मैंने जब वहां पकड़ लिया तो मैं यहाँ नहीं पकड़ सकता ना, ये भी तो है। ओ भाई ये मिल सकता था पॉलीटोड या पॉलीवल, पॉलीविंग है नाम इसका, पॉलीविंग। यहाँ पे पिकाचू थंडर बोल देता हूँ मैं, पिकाचू को भी थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करना चाहता हूँ, पिकाचू मेरा अपग्रेड हो है कि नहीं। स्टारमी को भी एक्सपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भाई, स्टारमी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा मेरे को। एक्सपी शेयर कैसे ऑन होता है इसमें, चाहे जब तक एक्सपी शेयर नहीं मिलेगा तब तक एक्सपी शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं, यहाँ सेव भी कर लेता हूँ भाई मैं। यहाँ पे देखो जैसे ये है क्या बोलते थे इस राउट को, क्या बोलते मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। ओनली ट्रूली स्किल्ड ट्रेनर आर अलाउड थ्रू, क्या नाम है, यू डू नॉट हैव द बोल्डर बैज, मेरे को बोल्डर बैज चाहिए होगा यहाँ जाने के लिए। द रूल्स आर रूल्स, आई कैन नॉट लेट यू पास। ओके इसका नाम क्या था मैं भूल गया भाई, ये एलीट राउट थी ऐसी करके कुछ बोलते थे भाई इसको, क्या बोलते थे भाई मेरे को याद नहीं, यहाँ पे लिखा है मैं पढ़ सकता हूँ यहाँ पे, पोकेमोन लीग, हाँ पोकेमोन लीग की रूट है भाई ये। यहाँ पे जब मेरे पास सारे 8 के 8 या 9 के 8 बैज होते हैं ना, 8 के 8 बैज आ जाएंगे तब मैं जा सकता हूँ यहाँ से एंटर करने, ठीक है। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आएंगे तो मैं पोकेबॉल और पोशन खरीद लूंगा यहाँ से। अब मैं जाता हूँ पहले पोकेमोन मार्ट में, लेकिन भाई मजा आता था, लेकिन यहाँ पे एक नई राउट है तो मैं यहाँ पे पोकेमोन पकड़ सकता हूँ। वहाँ पे कोने में एक आइटम रखा है लेकिन मैं उसको ले नहीं सकता अभी, क्योंकि भाई उसके लिए खर्ची होगा भाई। यहाँ पे पिजी ऑटो मिल गया भाई मेरे को, पिजी ऑटो मैं थंडर बोल दूंगा तो शायद मर जाएगा ये, जितना मेरे को ध्यान है। वाटर गन दूं क्या, वाटर गन दे, ओ भाई क्विक अटैक दे दिया भाई, मरना जाना स्टार भी भाई, ये ईशान नाम है इसका, ईशान वाटर गन, तो भाई ईशान को मैं वाटर गन यूज करने के लिए कह रहा हूँ। ओ भाई ईशान से मैंने वाटर गन मारा, यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइफ गई है इसकी,
ठीक है भाई, इसको पकड़ लूंगा मैं इजी। फिर मैं जाऊंगा पिकाचू से इसको थंडर बोल्ट दे दूंगा, नहीं थंडर वेव दे दूंगा, जिससे ये थोड़ा पैरालाइज हो जाएगा और इजीली कैच हो जाएगा। ये रेड में चला जाएगा, येलो में गया, ये क्रिट पड़ गया तो गस्त दिया इसने मेरे को, ये अभी उड़ नहीं सकता है। भाई मेरे पोकेमोन की लाइफ जा रही है, मैं यहाँ से स्विच करता हूँ पिकाचू पे। पिकाचू इसको जाओ तुम पैरालाइज करो पहले, पीका यहाँ से थंडर वेव दो पहले इसको। ठीक है थंडर वेव दे दिया, मैं इसको पकड़ सकता हूँ, इजीली पकड़ लूंगा मैं इसको, एक ही पोकेबॉल में पकड़ लूंगा भाई अब, क्योंकि येलो पे पैरालाइज है भाई तो कैच रेट बढ़ जाएगा। भाई तीन ही पोकेबॉल है भाई, ओ भाई तीन ही पोकेबॉल पकड़, अब यार ये भाई पोकेमोन को पकड़ लेता टफ क्यों है यार, कुछ ज्यादा ही हार्ड बना दिया मैंने क्या। अब यार भाई एक ही पोकेबॉल बचा है इसके बाद मेरे पास, और मेरे पास पैसे भी नहीं है कि पोकेबॉल ले सकूं मैं। अबे यार नहीं पकड़ पाऊंगा मैं इसको, इसको हरा ही देता हूँ, इसको हरा ही देता हूँ भाई, क्योंकि पकड़ नहीं पाऊंगा, पोकेबॉल है नहीं मेरे पास। भाई कोई आइटम मिलना चाहिए भाई जिसको मैं सेल कर सकूँ, भाई कोई आइटम मिलना चाहिए भाई जिसको मैं सेल कर सकूँ भाई, वरना तो ऐसे तो भाई मैं कंगाल हो जाऊंगा, कंगाल हो गया जाऊंगा, हो गया हूँ मैं भाई। मैं जैसा बता रहा था मैंने यहाँ पे तो पोकेमोन पकड़ नहीं पाया क्योंकि भाई मेरे पास पोकेबॉल खत्म हो गया, देखो पोकेबॉल है ही नहीं, और भाई मेरे पास पैसा भी नहीं जिससे कि मैं खरीद सकूं, क्योंकि मेरे पास पैसा भी नहीं, देखो कहाँ है पैसा, 55 रुपए है भाई, 55 रुपए है, सिर्फ 55 रुपए, और पोकेबॉल आती 30-40 की, 300 की आती है, 30 बता रहा हूँ भाई, 300 की आती है पोकेबॉल, और भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे को भाई पैसा कहीं से कमाना पड़ेगा तब मैं जाके अगले राउंड में पोकेमॉन पकड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई अगर मैंने इस राउंड में पोकेमॉन को पेन कर दिया, हरा दिया, तो भाई मैं पोकेमॉन नहीं पकड़ सकता। यहाँ पे वल्डेरियन फॉरेस्ट है भाई, इसका नाम वल्डेरियन फॉरेस्ट है, ऐसी कुछ नाम है, बोला नहीं जा रहा है भाई, वल्डेरियन। ठीक है यहाँ पे आई कैम हेयर विथ सम फ्रेंड्स, वो यहाँ पे मेरे लिए रुके हुए हैं फाइट करने के लिए, तो भाई मेरे को यहाँ पे कोई पोकेमॉन पकड़ना नहीं है, थोड़ा संभल के जाना है जिससे कि मैं यहाँ पे पोकेमॉन से बचता हुआ जा सकूं और थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट कर सकूं। यहाँ पे कुछ है नहीं भाई, यहाँ पे हर जगह तो ग्रास है, मेरे हिसाब से इधर साइड एक प्लेयर है जो ग्रास में नहीं रहता है, मेरे को इतना ध्यान है, मैंने शायद कैच रेट टफ कर दिया मेरे को लग रहा है। हाँ भाई इससे मैं लड़ सकता हूँ, इससे भी लड़ सकता क्या भाई, मैं प्लेयर से लड़ नहीं सकता क्या भाई, मैं प्लेयर से लड़ नहीं सकता हूँ क्या, कुछ भाई कुछ गड़बड़ हो चुका है क्या रैंडमाइज में, पता नहीं भाई। ओ भाई अब मैं भाई कोई पोकेमोन नहीं पकड़ पाऊंगा, क्योंकि भाई यो भाई ये तो 6 लेवल का, मैं हार जाऊंगा अगर इससे लड़ूंगा तो, क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को इसको हराना पड़ेगा और भाई मेरे पास कोई पोकेबॉल तो है नहीं। ठीक है ये राउंड भी बर्बाद चली गई है मेरी आगे, लेकिन मैं बाद में और भी पोकेमोन पकड़ लूंगा। ओ भाई हिप्नोसिस दे दिया भाई, स्लीप में डाल दिया भाई पिकाचू को मेरे। ओ भाई रन कर ले, रन कर, हिप्नोसिस में भाई पिकाचू तो भाई यहाँ पे पॉलीबॉल ने तो मेरे को स्लीप में डाल दिया भाई। ईशान बाहर आ तू यहाँ से, मैं यहाँ से भागता हूँ भाई ईशान। ओ भाई यहाँ से वाटर गन दे दिया भाई, मरना नहीं स्टार्मी भाई, एक ही पोकेमोन है मेरे पास, दो ही पोकेमोन है मतलब जो काम के हैं, और इनको भी हार जाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी मेरे को। अब भाई यहाँ से आराम से जाना पड़ेगा मेरे को, अगर ये पलट गई तो दिक्कत की बात है। ठीक है उधर को मुकर, मेरे को हील करना है अपने आप को। ठीक है वो भाई निकल गया, मैं यहाँ से हील करके तुरंत आता हूँ भाई। ओ भाई भाई भाई, भाई मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था और मेरे को मिल गया म्यू। ओ भाई मैं यहाँ पे म्यू को भी कैच कर सकता था भाई, यार भाई मैं म्यू पकड़ सकता था भाई यहाँ पे। भाई मैं यहाँ पे स्विच ट्रेनिंग कर रहा था ईशान को, थोड़ा लेवल अप करने की कोशिश कर रहा था अपने स्टार्मी को, लेकिन भाई यहाँ पे मैं म्यू से आगे टकरा चुका हूँ भाई। मैं यहाँ पे म्यू को पकड़ सकता था, वो भी लेवल 3 का, मैं इसको अपग्रेड कर सकता था भाई, जो कहो यार मैं यहाँ पे म्यू पकड़ सकता था यार, लेकिन भाई मेरी किस्मत खराब थी, मैं नॉर्मल पिजॉटो को तो पकड़ नहीं पा रहा हूँ, म्यू को खाक पकड़ूंगा, लेकिन भाई मैं म्यू पकड़ सकता था यहाँ पे। ये सोचो लेजेंडरी पोकेमोन, वो भी स्टार्टिंग में। ठीक है भाई यहाँ पे मैं थोड़ा हील करके आता हूँ अपने आप को। ओके गाइस मैं वल्डेरियन फॉरेस्ट में वापस आ चुका हूँ, यहाँ पे मैं पोकेमोन तो पकड़ नहीं सकता क्योंकि भाई मेरे पास पोकेमोन नहीं था और यहाँ पे मैंने पॉलीटोड को हरा दिया था, जिसकी वजह से मैं पोकेमोन नहीं पकड़ सकता था। यहाँ पे मेरी पहली बैटल स्टार्ट हो चुकी है भाई, इसका नाम क्या है, व्हाट इज हर नेम, इसका नाम लेस है। ठीक है इसको मैं लेस कर दूंगा अभी। देखिए ओ भाई लैप्रिस है भाई इसके पास, वो भी लेवल 6 की लैप्रिस है।
पिकाचू आ जा भाई। पीका मेरा पिकाचू तेरे को मारेगा थंडर बोल्ट और तू हो जाएगी शू शू पिकाचू। अरे आप देखो पिकाचू से मारे मारा थंडर बोल्ट और लैप्रेस ओ भाई येल्लो में आगे, मेरे को लगा मर जाएगी लेकिन मरी नहीं भाई। लैप्रेस अटैक मिस कर दिया, नहीं ग्राउल यूज किया इसने। ठीक है यार थंडर बोल्ट देता हूँ और ये गई लैप्रेस एक ही बार में गई, वरना भाई इनके पास पहले बग पोकेमोन होते थे लेकिन अब मैंने रैंडमाइज कर दिया तो इनके पास है लैप्रेस, इनके पास कोई भी पोकेमोन हो सकता है भाई। ओ भाई ईशान लेवल 7 का हो चुका है भाई मेरा। ठीक है यहाँ पे इसके पास है, ठीक है मेरे को यहाँ से ईशान को थोड़ा लेवल अप करना है तो मैं स्विच ट्रेनिंग कर रहा हूँ इसके साथ थोड़ी बहुत। और भाई स्विच ट्रेनिंग करते वक्त मेरे को भाई म्यू मिला था भाई, अगर मैं मेरे पास पोकेबॉल होता और मेरा पहला पोकेमोन कैच करने वाला म्यू होता तो भाई मैं म्यू को कैच जरूर करता भाई, जो कहो मैं म्यू को कैच जरूर करता। यहाँ पे मेरे को डालना है थंडर बोल्ट और यहाँ से थंडर बोल्ट से मैंने इसको भी हरा दिया है क्राइम को, क्राइम एक और थंडर बोल्ट ले तू। ठीक है इजली हरा दिया भाई, डिसेबल हो चुका है कुछ। ओके इसने डिसेबल यूज किया था भाई, मेरे थंडर बोल्ट को डिसेबल करने की कोशिश कर रहा था भाई ये। ठीक है लेवल 8 का हो चुका है ईशान, ठीक है भाई लेवल अप हो रहा है ईशान, सही है भाई। ठीक है मैंने लिस को डिफीट कर दिया भाई, इनसे पैसे भी मिलते हैं मेरे को थोड़े बहुत, तो इससे मैं थोड़े पोकेमोन खरीद सकता हूँ, पोकेबॉल खरीद सकता हूँ आगे अगर मैं जाऊँगा तो मेरे को पोकेबॉल मिल सकता है अच्छे खासे। ओ भाई यहाँ पे तो पर्शियन भाई, ये म्याव का इवॉल्व फॉर्म है भाई पर्शियन, अगर आपको पोकेमोन के बारे में ज्यादा पता नहीं है तो मैं बता दूं ये म्याव का इवॉल्व फॉर्म है पर्शियन। ठीक है यहाँ पे एक और बैटल होने वाली मेरी ट्रेनर से, इसका नाम क्या है बग कैचर, क्या नाम होता है इसका, बग कैचर नाम है इसका, अच्छा सिर्फ बग कैचर नाम है। ओ भाई इसके पास वोल्टॉब है, ओ भाई ब्लास्ट ना हो ना भाई। ओ भाई यहाँ पे इसको नहीं लेता हूँ मैं, पिकाचू को लेता हूँ भाई। यहाँ पे अगर ब्लास्ट कर दिया इसने कबूम कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। ओ भाई स्पीड दिया इसने, मेरे डिफेंस घटा दिया है, थंडर बोल्ट ले। ओ भाई इस पे तो इफेक्टिव ही नहीं काम करेगा भाई ये। क्विक अटैक कब सीखूंगा भाई मैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्विक अटैक सीखना है मेरे को। यहाँ पे पैरालाइज कर देता हूँ मैं इसे पहले तो। अबे स्क्रीज दे रहा भाई, ये मेरा डिफेंस घटा रहा है। यहाँ से मैं थंडर बोल्ट देके पहले इसको हटाता हूँ भाई, पहले इसको हटाना पड़ेगा थंडर बोल्ट दे के मेरे को, वरना दिक्कत में आ जाऊंगा भाई अगर ये फट गया तो। ये भी ध्यान रखना है भाई ये आखिर में फट जाते हैं, लाइफ मेरे पास फुल है मेरे हिसाब से, मैं मरूंगा नहीं, मेरे को लग तो रहा है फिट पड़ा है, पैरालाइज हो गया। ठीक है थंडर बोल्ट दिया, ठीक है भाई अब फटेगा नहीं। अब भाई इसका फटने का डर था मेरे को। एक और पोकेमोन है भाई इसके पास, स्विच करता हूँ भाई इसका, नहीं भाई स्विच नहीं किया मैंने इस बार, छोड़ो। यहाँ पे थंडर बोल्ट देता हूँ पहले मचैम को, माचोक, इसका नाम माचोक है, मचैम नहीं है, मचैम शायद चार हाथ होते हैं मचैम के। ओ भाई क्रिट पड़ा है, लाइफ नहीं मेरे पास, पोशन है हीलिंग, स्विच नहीं करना है मेरे को यहाँ पे, पोकेबॉल नहीं डालना है मेरे को, पोशन यूज करना है अपने पे। ठीक है यहाँ पे मैंने पोशन यूज किया है। ओ भाई क्रॉस कराटे चॉप, ओह भाई ये कराटे चॉप मार रहा है, क्या मार रहा है भाई, आधे से ज्यादा लाइफ ले गया भाई ये, वापस से कराटे चॉप मारा इसने भाई, ऐसा रहा तो मैं मर जाऊंगा। ओ भाई ये तो बैटल खतरनाक हो रही है, वापस से कराटे चॉप भाई मैं हार गया क्या, नहीं इस बार नहीं हारूंगा, थंडर वेव दे दूं क्या, थंडर वेव ले भाई तू, थंडर वेव ले, पैरालाइज करता हूँ पहले मैं इसे। ठीक है लो किक मिस कर दिया भाई, ठीक है थंडर बोल देता हूँ मैं इसको, हराता हूँ भाई मैं, हार जाऊंगा मतलब मेरे पास पोशन भी नहीं है, अब पोशन लेने जाना पड़ेगा भाई इसके चक्कर में अब मेरे को। ठीक है भाई मेरे को लगा मैं हार गया यार, ओ भाई बड़ा हार्ड था यार ये। पिकाचू लर्न क्विक अटैक भाई, फाइनली क्विक अटैक सीखा है मैंने। ठीक है मेरे को हटाना पड़ेगा, ग्राउंड हटाऊं टेल भी हटाऊं, मेरे हिसाब से ग्राउंड हटाना चाहिए क्विक अटैक के लिए। ठीक है भाई मेरे को लगा मैं हार गया भाई ये बग कैचर था क्या था भाई, कुछ ज्यादा हार्ड हो रहे हैं ये लोग। ओ भाई 70 रुपए दिए, मैं एक बार अपने पिकाचू को हील करके आता हूँ। यहाँ पे एक और बंदा, मैं इससे भी बैटल कर सकता हूँ लेकिन इसको स्किप भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को पैसों की जरूरत है तो भाई मैं सबको हराऊंगा पहले। ठीक है यहाँ पे ट्रेनर ने मेरे को चैलेंज कर दिया, इसका क्या नाम है बग कैचर, इसे भी बग कैचर है, हाँ भाई ये भी बग कैचर है, इसके पास 3 पोकेमोन है भाई, इसको तो मैं हरा दूंगा भाई, बीड्रिल भाई इसको तो मेरा ईशान ही हरा देगा, देखो वाटर गन, हार जाना भाई, हाँ भाई हार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हार जाएगा, जल्दी हार जाएगा भाई वाटर गन से, कोई एक बार और मारूंगा हार जाएगा ये।
कह रहा था टैकल डाल दूंगा इस बार। ओ भाई स्ट्रिंग शॉट दे दिया, मैंने स्पीड घटा दी भाई। टैकल ले तू, ठीक है यहाँ से टैकल दे दिया मैंने इसको, और यहाँ पे 57 एक्सपी दिया है। ठीक है भाई, पहला बग कैचर ट्रेनर जिसके पास बग पोकेमोन था भाई, ये बड़ा सही है भाई। मैंने अभी दिमाग में आया मेरे, ठीक है यहाँ पे रेड अटैक को मैंने दे दिया है वाटर गन। भाई ईशान तो उसको इजी हरा देगा भाई, पहला वाला ज्यादा टफ था क्या? वो जो क्रॉस चॉप मार रहा था भाई तो कुछ ज्यादा ही टफ था। ठीक है यहाँ से मैंने रेड अटैक को भी हरा दिया, रेड अटैक को भी हरा दिया। अब यहाँ पे दूसरा पोकेमोन मोल्टर आ रहा है, मोल्टर आ रहा है। मेरे हिसाब से पिकाचू को लेना चाहिए, मेरे हिसाब से इसका एस पोकेमोन है, तो मैं भी अपना एस पोकेमोन निकालता बाहर। ओ भाई भाई लेजेंडरी है इसके पास मोल्ट्रेस, मैं कह रहा था ना लेजेंडरी है भाई। भाई आते ही लेजेंडरी से बैटल हो रही है मेरी। ओ भाई अच्छा हुआ मैंने पिकाचू को निकाला यहाँ पे भाई। इसके पास बग कैचर के पास एक लेजेंडरी पोकेमोन मोल्ट्रेस। ओ भाई फायर स्पिन है भाई इसके पास। अबे मेरे को वाटर टाइप से अटैक करना चाहिए था भाई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वोल्टेस में भूल ही गया था फायर टाइप पोकेमोन है, मेरे को लगा जोल्टियन है। जोल्टियन तो भाई वो है नहीं, जैप्टोस, जैप्टोस लगा भाई मेरे को। पीक मारा है भाई इसने मेरे को, क्रिट मारा है, वो भी क्रिट पड़ा है भाई, पीक भी क्रिट पड़ा है भाई मेरे को इसका। लेकिन भाई इसको भी हरा दिया मैंने वोल्ट्रेस को भाई, लेकिन वोल्ट्रेस के साथ बैटल होगी मेरी और पिकाचू ग्रो हो गया लेवल 12 का। भाई यहाँ पे अच्छे खासे लेवल बढ़ रहा है और मेरे को पैसे भी अच्छा खासा मिल रहा है, 60 रुपये मिला है। मैं अच्छा खासा बोल रहा था 60 रुपये मिला है सिर्फ। ओके यहाँ पे मून स्टोन मिला है भाई, मैं इसको भी सेल कर सकता हूँ, मून स्टोन की सेल कर सकता हूँ मैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं सेल करूंगा मून स्टोन को। यहाँ पे कुछ है क्या? ओके गाइस मैं वल्डेरियन फॉरेस्ट में वापस आ चुका हूँ, और यहाँ पे भाई मैं वापस उसी जगह आया हूँ जिस ट्रेनर को हराया था। यहाँ पे कंगस खान फिर से आ चुका है, मेरे को यहाँ पे रन करना पड़ेगा भाई। ईशान रन कर लेना, इजिली रन कर लेना, मैं हराऊंगा नहीं अभी किसी को, नहीं हराऊंगा भाई, कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क लेने वाला, क्योंकि भाई मेरे पास ना पोशन है ना पैसा है कुछ खरीदने के लिए भाई, क्योंकि इतने गंदे गंदे आइटम मिले एक्स डिफेंस। ठीक है भाई इससे मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकता हूँ, एक्स डिफेंस से मैं थोड़े बहुत पैसे ले सकता हूँ, क्योंकि भाई ये 300 या फिर 275 का जाता है। ठीक है यहाँ पे शायद एक आइटम मिलता था, मेरे को इतना ध्यान है। अरे यार यहाँ पे ओ भाई म्यूटू, ओ भाई म्यूटू, भाई क्या हो रहा है भाई, ये राउट है क्या है भाई? एक बार म्यू मिला मेरे को, एक बार म्यूटू मिला, लेकिन मैं पकड़ भी नहीं सकता। अगर ये शाइनी होता तब मैं पकड़ सकता था यार, क्योंकि मैंने एक बार पकड़ चुका, एक बार हरा सकता हूँ क्या म्यूटू को? मैं टैकल मार के देखता हूँ, अगर हरा दिया तो एक्सपी अच्छी खासी मिलती है म्यूटू से, मेरे को इतना ध्यान है। लेकिन भाई अगर ये मेरे को ना मार दे, ए भाई लाइफ बहुत कम जा रही है। वाटर गन देता हूँ, वाटर गन डाल के देखता हूँ कितना पड़ता है इसको। ओ भाई वाटर गन अच्छा पड़ रहा है, वाटर गन डिसेबल करने वाला है, ये डिसेबल करने वाला। ओके हार्ड रन डिसेबल हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से वाटर गन डालता हूँ मैं और थोड़ी एक्सपी गेन करता हूँ। ओ भाई 199 एक्सपी मिल गया भाई। यहाँ पे कहीं एक आइटम था, ओ भाई आइस हील मिल चुका है मेरे को, इसको सेल कर दूंगा भाई मैं, इसको सेल करूंगा भाई। मेरे को थोड़ा आइटम चाहिए, मतलब थोड़ा पैसा चाहिए भाई, जेब में पैसा नहीं है, कंगाल हूँ मैं। मेरे को पोकीबॉल तभी तो मिलेंगे, पोकीबॉल। ओ भाई मैग्नामाइट, यहाँ से पिकाचू को लाना पड़ेगा, वो भी 10 लेवल का है, क्योंकि एक ठंडा बोल पड़ा तो मेरा स्टार में गया, मेरा ईशान ढेर हो जाएगा भाई एक ठंडा बोल में। टैकल मारा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लेवल 12 का हूँ भाई, ठंडा शॉक दूं क्या? ठंडा वेव दूं? हाँ भाई ठंडा वेव देता हूँ, पैरालाइज हो जाएगा ये, सही है भाई, मेरे को लग रहा था पैरालाइज हो जाएगा। यहाँ से क्विक अटैक मारता हूँ एक, ये ले क्विक अटैक ले मेरा। ओ भाई क्विक अटैक तो कोई काम ही नहीं आ रहा भाई, ठंडा बोल्ट कितना मारेगा, ठंडा शॉक कितना पड़ेगा ये बताओ। अबे ठंडा शॉक तो उससे भी कम मार रहा है भाई, क्विक अटैक देना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। डिफेंस घटाऊं क्या मैं इसका? हाँ डिफेंस भी घटा सकता हूँ भाई इसका, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता भाई, डिफेंस घटाता हूँ मैं इसका थोड़ा और। ओ भाई लाइफ भी ले जा रहा है भाई ये, क्विक अटैक मारता हूँ, अब देखता हूँ कितना जाता है। ओ भाई आप सही गए, टैकल टैकल मैं बच जाऊँ भाई, लाइफ नहीं है, मैं शायद क्विक अटैक से जीत जाऊंगा। और ओ भाई 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 सोनिक बूम दे दिया भाई, मरना नहीं मरना नहीं। ओपे तेरी भाई, मेरा पिकाचू फेंट हो गया भाई। ओपे भाई मेरा पिकाचू हार गया यार, ओपे यार भाई मेरा पिकाचू हार गया। ओपे यार मेरा पिकाचू हार गया यार, अबे यार ये दिक्कत की बात हो गई है भाई, मैंने इसको हरा दिया लेकिन मेरा पिकाचू हार गया। भाई मेरा पिकाचू हार गया यार, अबे यार भाई मेरा पिकाचू हार गया यार, अबे यार।
अब मैं यहाँ पे एक पोकेमोन तो पकड़ सकता हूँ, लेकिन भाई मैं ब्रॉक की सिटी में भी आ चुका हूँ ब्रॉक को हराने के, लेकिन मेरा पिकाचू हार गया है। तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैं पिकाचू को रखे रहूँ कि उसको डेड पीसी में डाल दूँ, क्योंकि भाई मेरे को पिकाचू पसंद था यार, खासकर येल्लो पोकेमोन, येल्लो में तो पिकाचू मस्ट रखना है मेरे को अपने पास। तो भाई मेरे को सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होगा यार। अबे यार मेरा पिकाचू पीसी में रखना चाहिए कि मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज कर दूँ अपने लिए। कमेंट बॉक्स में को जरूर बताओ कि भाई मेरे को पिकाचू को डेड बॉक्स में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। अगर अगर आप लोग कहोगे नहीं डालना चाहिए तो भाई मैं नहीं डालूंगा, अगर आप लोग कहोगे डालना चाहिए तो मैं डालूंगा, वरना भाई बहुत दिक्कत आने वाली, क्योंकि पिकाचू मेरा फेवरेट पोकेमोन है भाई, पिकाचू मेरा फेवरेट पोकेमोन था यार, हार गया वो। कोई नहीं भाई, इस वाले एपिसोड में यहीं पर खत्म करता हूँ, अगला एपिसोड में हम लोग पहले जाएंगे ब्रॉक से बैटल करेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि मेरे को पिकाचू को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। तो भाई इस वाली वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि मेरी अगली हर्डल आने वाली है ब्रॉक, और वो भी हाई लेवल का होने वाला है, 15 या फिर 16 लेवल का होता है भाई ब्रॉक, मेरे को जितना पता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो भाई लाइक कर दो, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, तभी आपको पता चलेगा इसकी नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि मेरे को पिकाचू को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता मैं आपको अगले एपिसोड के साथ, बाय बाय।